गुजर गए साल तावी अधूरे निसार सवाल तावी पता है किनार जमंद हो मुझे तुम अभी भी पसंद हो। आपको ये सब नहीं करना चाहिए। आपका मेरे लिए कुछ भी कहना मेरे लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है। भैया इसी के साथ गई थी, इसी की जिम्मेदारी थी, तो पूछे इससे कहाँ है मेरी बिया, कहाँ छुपाया इसने उसे। परवीन क्या हुआ? तुम्हारे मुझे अनाप्या बीबी। अनाप्या बीबी को क्या हुआ? अनाप्या बीबी। क्या हुआ? अनाप्या बीबी क्यों चलती हूँ जाना मेरे साथ? अनाप्या बीबी होश करे। क्या हुआ अनाप्या बीबी? बता दे। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है, मेरा तो दिल डूबा जा रहा है। पता नहीं काशिप क्या रिएक्ट करेगा। अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो। और ये मेहरुन उसे को क्या जरूरत थी कंदील के ससुराल में फोन करने की? और उन्हें भी पता नहीं कैसे पता चल गया कि अभी आप परेशान है। हैरत हो रही है मुझे तुम पे। एक माँ होते हुए तुम ये कह रही हो कि मेहरुन निशा को पता कैसे चला? वैसे कुछ इतना गलत भी नहीं कह रही हैं आप खुद ही सोचिए बाबा, मेहरुन्निसा आंटी को कैसे पता चल सकता है ये सब कुछ? यकीनन हमारे घर से किसी ने उन्हें बताया होगा।
तुम क्या कहना चाह रहे हो कि भाभी बेगम ने बताया उन्हें? वो भी हो सकती हैं और वली भी। I'm sorry to say, लेकिन जो कुछ वली मेरे साथ करता रहा है मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। दानियल बिल्कुल ठीक कह रहा है कि ये खबर जानबूझ के मेरनुसा को दी गई है ताकि वो कंदील के ससुराल तक पहुंच जाए और वो हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर ना छोड़े। बड़े साहिब बाहर चलिए, जल्दी करें। क्या हुआ, तुम इतने बौखलाए हुए क्यों? जल्दी कीजिए, मेरे साथ चलें, अनाबिया बीबी बाहर बेहोश पड़ी है। क्या अनाबिया? चलो आप। बिया 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 बिया, ये क्या बाबा जान, देखिए ना उन जालिमों ने बिया की क्या हालत कर दी मेरी। बिया दानियाल, बिया की हालत ठीक नहीं लग रही है, तुम उठाओ उसे अंदर लेके चलो और डॉक्टर साहब को फोन करके बुलाओ फौरन। जी मामा, आइए माँ, ये हेल्प को अंदर लेके जाओ। करमदीन, तुमने देखा है किसी को? कौन फेंक के गया बिया को? कोई गाड़ी का नंबर, कोई ड्राइवर, किसी को देखा है तुमने? बड़े साहब मेरी तो आंख लग गई थी, वो तो परवीन बाहर गई है, उसी ने देखा और मुझे जगाया साहब। क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें अपनी ड्यूटी देनी नहीं आती? अरे बिया को कोई घर के दरवाजे के बाहर फेंक गया और तुमने देखा नहीं, तुम सोए रह गए हो। माफी चाहता हूँ साहब, आज ही आंख लग गई थी। चुप करो, आज का बच्चा ना हो तो। प्रवीण तुम बताओ, तुमने किसी को देखा? कौन फेंक के गया बिया को घर के बाहर? नहीं नहीं बड़े साहब, मैंने मैंने किसी को भी देखा, बाहर कोई भी नहीं था। वो तो जब मैं क्या मतलब, अभी तक कुछ पता नहीं चला, कर क्या रहे हैं आप लोग? सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी का नंबर भी हमने निकलवा के दिया है ना आपको, आपका काम था ये? मुझे कोई शौक नहीं है ऊंचा बात करने का, मजबूर कर रहे हैं आप लोग। क्या मतलब, कब तक किया क्या है आपने? कुछ नहीं होगा आपसे, आपकी बड़ी मेहरबानी, खुद कर लेंगे हम। खुदा हाफिज। वली वली, क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? सब खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। बिया मिल गई वली। क्या बिया मिल गई? कब, कौन लाया, कैसे? कोई रात के अंधेरे में बाहर गेट के छोड़ के चला गया था, उसकी हालत ठीक नहीं है। परवीन को बेहोशी की हालत में गेट के बाहर मिली, उसी ने घर वालों को बताया और अभी उसने मुझे बताया। मैं उसे मिल के आता हूँ। नहीं, बली इस वक्त तुम्हारा बिया से मिलना ठीक नहीं है। क्यों? मैं कब से उसका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे उसे देखना है, उसे पूछना है वो कैसी थी, किस हाल में थी। नहीं बेटा, उसका शौहर है ना सब पूछने के लिए उससे, और फिर वो ऐसी हालत में नहीं कि तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दे सके। मां जब तक खुद उसे अपनी आंखों से देखूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। अपनी बेचैनियों को काबू में रखो वली, इस वक्त बिया के हक में यही बेहतर है कि तुम उसे ना मिलो, उसके लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करो वली। मुश्किलात वली बिया के लिए मुश्किलात पैदा करेगा माँ? वली, तुम्हारा बिया के लिए इतना परेशान होना उसके लिए सवालात पैदा कर देगा, और बिया तो पहले ही इतनी मजलूम है, वो किस किस के सवाल का जवाब देगी? फिर दानियाल को तो तुम जानते ही हो। आपने खुद देखा है ना बिया को, वो ठीक है ना? नहीं, उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, बेहोश है। डॉक्टर को बुलाया, दुआ करो
दुआ करो बेटा कि सब ठीक हो। खुदा करे, खुदा करे। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? आई डोंट नो, मुझे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, लेकिन पेशेंट की हालत देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे जबरी तौर पर उन्हें खाने पीने से रोका गया है, वरना डाइटिंग से तो ये कंडीशन नहीं हुआ करती है। एनीवेज मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं पहुँच जाऊँगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एट दिस पॉइंट सर, थैंक यू। शफीक, डॉक्टर साहब को इनके क्लिनिक तक ड्रॉप कर दो प्लीज। ओके, थैंक यू सर। दानियाल, अशी तुम लोग, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम दोनों इतनी सुबह सुबह खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। वो काफी दिन से ऑफिस के कामों में बिजी था तो तुम लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो आई थॉट कि आज नाश्ते पर ज्वाइन किया जाए। बहुत ही अच्छा किया तुम लोगों ने यार, अंदर आओ ना, सब लोग बहुत खुश होंगे तुम लोगों को देखकर। इकट्ठे नाश्ता करते हैं, आ जाओ। दानियाल, घर में किसी की तबीयत खराब है क्या? डॉक्टर साहब सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे थे? हाँ, वो मेरी भैया की तबीयत रात को अचानक खराब हो गई थी, तो इसलिए मैंने बुलाया था डॉक्टर साहब को। भैया की? भैया तो नवाबशाह में है, तो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? नवाबशाह में थी लेकिन आ गई ना वापस रात में ही। कितने बजे? क्योंकि मैरून से आंटी की जब तुमसे बात हुई थी तो वो तो कोई और बात कर रही थी, है ना? काशिफ, मैरूनिस आंटी ने मुझे कॉल की थी तो मैं रात को बिया को लेकर आ गया था। उसको मोशन सिकनेस होती है तो इसीलिए रात में रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो गई। काशिफ, मैंने आपको बताया था ना कि उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है, वो भूल जाती हैं, तो हो सकता है उनके जहन से निकल गया। नहीं, इससे पहले तो तुमने ऐसी कोई बात नहीं की कि उनकी तबीयत खराब है या उनकी जहनी कैफियत ठीक नहीं है। क्या हो गया यार, तुम दोनों को क्यों बहस कर रहे हो? देखो काशिफ, से सबके सामने बात करते हुए अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए हम इस बात को जरा साइड पे ही रखते हैं। मैंने आंटी की वाकई दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं उन्हें। कहती कुछ है, बोलती कुछ है, करती कुछ है और सब कुछ भूल जाती है, लेकिन खैर बहरहाल उनका भी इलाज कर लेंगे। अभी आओ, तुम लोग आओ, नाश्ता वगैरह करते हैं ना सब। हाँ, सब घर वाले देखेंगे, बहुत खुश होंगे। आओ आओ। मामा, अपनी बेचैनियों को काबू में रखो वली। इस वक्त भी आके अपने यही बेहतर है कि तुम उसे ना मिलो। बिल्कुल ठीक नहीं है बेटा, बेहोश है, तो आ करो बेटा कि सब ठीक मुझे तुम अभी भी पसंद हो।
क्या? कहाँ जा रहे हो? वहां तुम्हारा क्या काम है? बिया की खरीद मालूम करने जा रहा था। अच्छा, ताईजान ने तुम्हें नहीं बताया बिया की खैरियत के बारे में, जो तुम्हें खुद जाने की जरूरत पड़ी? देखो दानियाल, मेरा बिया से इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कि डायपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, इससे उन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तुम्हारा बिया से मिलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। बिया मेरी बीवी है और उसकी जिम्मेदारी मैं उठा सकता हूँ। गलत कर रहे हो तुम। तुम गलत जगह ट्राई कर रहे हो मेरे भाई। यहाँ कुछ नहीं बनेगा तुम्हारा। अगर तुम्हें ट्राई करना ही है ना, तो अपने घर जाओ, अपनी बहन पर नजर रखो, जो पूरी दुनिया में इंटरनेशनली फहाशी के झंडे गाड़े। क्या बकवास कर रहे हो? एक मिनट। ये देखो ना यार, ये देखो तो सही, अपनी आंखों से देख, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। देखो अपनी आंखों से देखो, ऐसे ही तो सारा जमाना तुम्हारे मुंह पर नहीं थूक रहा ना वली। इसलिए तुम्हें बरादराना मशवरा दे रहा हूं, मेरी इज्जत की परवाह करनी छोड़ो और घर जाकर अपनी इज्जत की परवाह करो। माँ, माँ, क्या हुआ बली? मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी जीत गई है। मैं समझी नहीं। कार गया आपका बली? जीत गई वो। मुबारक दे रहा हूँ, मुबारक कबूल कीजिए। ये देखिए, नजरें क्यों चुरा रहे हैं आप? देखिए ना, इसीलिए मना करती थी ना आप मुझे कि टैलेंट है, नाम है, मशहूर होना चाहती है। हो गई मशहूर। सिर्फ मशहूर नहीं हुई, बदनाम हुई है, साथ वली को भी बदनाम कर दिया है उसने। वली मेरा खुदा गवाह है, मुझे नहीं पता था कि वो इतनी घटिया हरकत करेगी। तो मेरी बात का यकीन करो, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पर मेरा ताल्लुक तो है ना, पूरी दुनिया तो उससे मेरी बहन के ताल्लुक से जानती है ना। बार बार मना करता था मैं, आप लोगों से कहता था कि यार तुम जॉब मत करो। डरता मुझे, तो डरता मुझे वही हुआ ना। क्या मांगा मैंने उससे? अरे देना ही चाहता था ना, बहन समझ के इज्जत दे रहा था वली उसे। वली बस मां, आज के बाद वली मर गया है आप सब लोगों के लिए। और काशिप, बिजनेस कैसा चल रहा है तुम्हारा? बिजनेस इज गुड अंकल,
कुछ फॉरेन ऑर्डर्स आए हमारे पास जिसकी वजह से हम फॉरेन मार्केट में इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं. सो एवरीथिंग इज गुड. दैट्स ग्रेट. अगर फॉरेन मार्केट में तुम्हारा नाम बनता है तो वहां बिजनेस सेटल करने में काफी हेल्प मिलेगी तुम्हें. काशिप की भी यही ख्वाहिश है बाबा. इनफैक्ट ये तो फ्यूचर में वहीं सेटल होने का इरादा रखता है. ये तुमने मैरिनोसा आंटी का फोन क्यों नहीं उठाया? मुझे पता नहीं चला. दानिया, तुम्हारा नंबर तो होगा ना आंटी के पास? I mean, बिया के पास भी फोन होगा. तो ये मैरिनोसा आंटी बार बार कंदील को क्यों कॉल करती हैं? मेरी ये बात कुछ समझ नहीं आती. वो दरअसल कंदील के साथ मैरिनोसा की दोस्ती बहुत ज्यादा ना, तो इसलिए फोन कर रही होगी. अच्छा, पर आंटी जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो वो मुझसे कह रही थी कि आप लोग उनका फोन नहीं उठाते, इसलिए वो बार बार कंदील को कॉल करती. काशिफ, आप बिला वजह में बाल की खाल क्यों उतार रहे हैं? क्या हुआ अगर उन्होंने मुझे फोन कर दिया तो? और वो कौन सा रोज फोन करती हैं? और आपको पता है उनकी ज़हनी हालत के बारे में? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है. मतलब इतनी एज तो नहीं है उनकी और ना कोई ऐसी ज़हनी हालत खराब है कि वो बातें भूल जाए. बेटा नाश्ता करो ना, ठंडा हो रहा है. दानियाल, तुम्हारी सास की बड़ी लंबी उम्र है. अभी हम उनका जिक्र कर रहे थे और देखो उनकी कॉल आ गई. आई थिंक मैं बात कर लेता हूँ इनसे. हेलो. हेलो जी आंटी, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ. जी, मैं और कंदील इसके पेरेंट्स के यहाँ आए थे. अच्छा, मुझे दानियाल बता रहा था कि कल बिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी जब ये लोग आपके यहाँ आए थे. क्या बिया आपके यहाँ नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता आंटी? हाँ तो फिर आपको तो यहाँ फौरन आना चाहिए ना, आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत होगी. जी जी बिल्कुल. नहीं नहीं आंटी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़. चाय पियो, ठंडी हो रही है. मुझे दानियाल बता रहा था कि कल बिया की तबीयत काफी खराब हो गई थी जब ये लोग आपके यहाँ आए थे. क्या बिया आपके यहाँ नहीं आई? ऐसा कैसे हो सकता आंटी? यार कंदील, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर क्या प्रूव करने के लिए आता है. तुम्हारी सास को, तुम्हारे हस्बैंड को मेरी लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? तुमसे ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो मेरी लाइफ में कंदील.
क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं, और जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो लोगों को शक तो होगा, और जब शक होगा तो सवाल भी होंगे। क्या हरकत की है मैंने? मैंने किया क्या है, कोई मुझे बताएगा भी सही? तुम अपने शौहर की तरह जहर उगल रही हो आज। दानियाल एक मिनट मामा प्लीज, बहन है मेरी, मुझे क्लियर करना है ना। बताओ कंदील क्या किया मैंने, कुछ मुझे भी तो पता चले। मैं ये चाहती हूँ कि तुम सच सच बता दो कि तुमने बिया के साथ आखिर किया क्या है। देखो दानियाल, उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा है कि उसको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हुई है, तो उसको क्या हुआ है ये तुम बताओ। क्या मैं, तुम कहना चाह रही हो मैं अपनी बिया पर? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत है मामा। आप, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ अपने रिश्ते पर, मैं तो बिया को खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, मैं कैसे कर सकता हूँ ऐसा? तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड तो यही कहता है ना, तुम उसको मिलने देते हो उसकी माँ से, ना बात करने देते हो, हर वक्त उसको टॉर्चर करते हो, तो मैं क्या दानियाल, सारी दुनिया तुम्हें ही कसूरवार समझेगी। समझती है कसूरवार तो समझे, मेरी बीवी है, मेरे दिल में जो आएगा ना मैं वो करूंगा। वो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी जर खरीद गुलाम नहीं कि तुम्हारा जो जी चाहेगा तुम उसके साथ करोगे, और ना तुम्हें ऐसा कोई करने देगा दानियाल। मैं तुम्हें, बस करो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, वो लड़की हम सबके लिए इतनी अहम क्यों हो गई है, सब उसकी फिक्र में खुले जा रहे हैं। वो लड़की किडनैप हो गई थी और उसको दानियाल ने नहीं करवाया था, वली ने करवाया था। अब क्या हम अपनी रुसवाई के इश्तेहार लगाए, उसकी माँ को क्या हकीकत बताए, दुनिया वालों का सामना हम कैसे करेंगे? आप लोगों पे क्या गुजर रही है ये तो हम ही जानते हैं ना, और तुम बिया की हकूक की जंग लड़ रही हो और बस। मामा मामा रहने दीजिए, बहुत हर्ट किया तुमने मामा को, बेचारी इतनी परेशान है, लेकिन सच तो तुम्हें पता चल गया ना, अब मिल गया सुकून तुम्हें कंदील, यकीन आ गया अपने भाई की मासूमियत पर, अपने भाई की सच्चाई पर। दुख होता है जब तुम ऐसे करती हो मेरे साथ, लेकिन हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, तुम्हारी जिंदगी के लिए ही तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं कि प्लीज प्लीज जाओ और अपने उस शौहर, अपने शौहर को समझाओ, कन्विंस करो उसे कि मैं सच कह रहा हूं, वरना वो यहां कोई तमाशा लगा देगा और मामा नहीं सह पाएंगे। प्लीज काशिप जो है ना, तो इसका भी कुछ करना पड़ेगा। प्लीज मैं कुछ खाने आई थी, पर तुम बैठो मैं कुछ लेकर आती हूँ।
करो प्लीज। भैया ये सब कैसे हुआ? मामा बता रही थी कि ये सब वली की वजह से। मुझे कुछ नहीं पता ये सब कैसे हुआ, किसने किया, लेकिन मेरी बात का कोई यकीन नहीं करेगा, ये मुझे पता है। सब मुझे इल्जाम देंगे। एक लोगों ने मुझे एक अंधेरे कमरे में भूखा प्यासा रखा। सोची थी मैं तो वहीं मर जाऊंगी अपनों के बगैर। मेरा अपना भी कौन ही है? तुम कैसी बातें कर रही हो बिया? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर ये वली की किसी मुखालिफ की साजिश है, एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो लोग तुम्हें क्यों साथ लेकर गए। पता नहीं कंदील, मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता ये वली के दुश्मनों ने किया है या किसने किया है। मुझे बस ये पता है कि वली तो अपनी जान पर खेल गए थे मुझे बचाने के लिए, लेकिन अब सारा इल्जाम भी उन पर ही आ रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो, कि इस सब के पीछे किसी और का हाथ है? पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा प्लीज तुम ये लो। तो सारा जमाना तुम्हारे मुंह पर नहीं थूक रहा ना वली, इसलिए तुम्हें बरादराना मशवरा दे रहा हूं, मेरी इज्जत की परवाह करनी छोड़ो और घर जाकर अपनी इज्जत की परवाह करो। तुम होते कौन हो, किस रिश्ते से ये बात कर रहे हो? लगते क्या हो तुम मेरे? मैं लैला बेगम और सरफराज अहमद की बेटी, मेरी रगों में तुम्हारे बाप का खून नहीं दौड़ा है। तुम मेरे भाई नहीं हो वली। वली, ये अचानक तुम बगैर बताए कहां चले गए थे? तुम्हें अंदाजा मैं कितनी परेशान थी? परेशानी कैसी माँ, जिंदा लौटा हूं, लाश नहीं लौटी मेरी जो परेशान हो रही थी। आप किस लहजे में बात कर रहे हो? तुमसे कुछ एहसास है तुम्हें? मां खुदा का वास्ता है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए माँ, प्लीज अकेला छोड़ दीजिए मुझे। कैसी तबीयत है तुम्हारी भैया? अच्छा सुनो भैया, भैया सिर्फ मैं और तुम है, घबराने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे बता सकती हो कि वो कौन लोग थे जो तुम्हें किडनैप करके लेके गए? कहां लेकर गए थे तुम्हें? और मुझे किसी की शक्ल याद नहीं है, मैंने किसी को नहीं देखा। तुमने किसी को नहीं देखा? झूठ मत बोलो मेरे साथ, तुम झूठ बोल रही हो भैया, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो मुझसे।
ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है कि लोग तुम्हें उठाकर लेकर गए और तुमने उन्हें देखा ही नहीं? तुम जानती नहीं तुम्हें लेकर कहां गए थे? ये कैसे हो सकता है? मैं दानियाल अकबर हुसैन इतने दिन इतनी ताकत इतनी दौलत होने के बावजूद अपनी बीवी को ढूंढ नहीं सका और तुम यहां आकर मुझसे झूठ बोल रही हो? सच बताओ, मुझे सच बताओ। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मुझे कुछ याद नहीं। बकवास बंद करो अपनी। तुम झूठ बोल रही हो, मैं समझ रहा हूं तुम क्या करना चाह रही हो। तुम अरवली, तुम दोनों का खेल है ना, है ना? तुम लोग क्या समझते हो हम बेवकूफ हैं? तुम्हारी इस मासूमियत में आ जाएंगे। भैया, तुम वली के साथ गई थी, उसके साथ वापस क्यों नहीं आई? अगर वली को गोली लगी थी तो उसको दिल पर गोली क्यों नहीं लगी? वो मर क्यों नहीं गया? इस मरवा तुम दोनों के खेल में नहीं आऊंगा भैया। तुम लोगों ने जो तकलीफ मुझे पहुंचाई है उसका हिसाब मैं तुम लोगों से लूंगा। तुम कहां गई थी, किसके साथ गई थी, मैं सब पता लगाऊंगा। मेरी बीवी को कौन उठाकर लेकर गया था उसका खोज तो इस बार मैं लगाऊंगा। देख लेना, देखना तो। मुझे तुम अभी भी पसंद हो।